हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल लग्जरी स्टे एंड डाइन, वे स्टे डिफाइंस योर ट्रैवल। एंड आज मैं हूँ एक बहुत ही लग्जरी रिजॉर्ट में, अयातना, जो कि कुर्ग में है। एक्चुअली आई जस्ट वोक अप, तो मैंने उतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है टायर पे। नेचर वॉक पे जाने का प्लान था, बट अनफॉर्चुनेटली हम जा नहीं पा रहे हैं बिकॉज बारिश हो रही है। लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रही कि बारिश की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है, बट उस हिसाब से बूंदे मेरे ऊपर गिर नहीं रही हैं। मेरे ख्याल से आप एम्बिएंट साउंड से समझ पा रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। स्टिल लेट मी कॉल द रिसेप्शन और मैं उनसे पूछता हूँ कि फीजिबल है कि नहीं है। मैंने रिसेप्शन पे कॉल किया था और उन्होंने कहा कि हाँ, आज नेचर वॉक होगी। सेकेंडली, आप रूम से बाहर का व्यू देखोगे तो आपको काफ़ी रिफ्रेश्ड फील होगा। सो लेट्स गेट रेडी फॉर द नेचर वॉक। दिस वॉज अ गाइडेड नेचर वॉक वेर इन जो गाइड हैं वो आपको लोकल फ्लोरा एंड फौना पूरे वे में एक्सप्लेन करते जाएंगे। पीछे आप देख सकते हो काफ़ी स्ट्रगल होता है जब लोग आते हैं तो देख रहे हैं प्रॉब्लम, बट द नेचर वॉक इज़ वेरी गुड। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे थोड़े से स्टडी पे शूज़ पहन के आए जिनकी ग्रिप काफ़ी अच्छी हो, सो दैट यू कैन एन्जॉय फुली एंड डोंट लिटर। वॉक ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का है और 45 मिनट्स में हम जो मेन रास्ता है रिसेप्शन से होते हुए उसको लेके और एक थोड़ा सा पतला सा स्टीप सा रास्ता है वहाँ से होते हुए और ये पेबल्स क्रॉस करते हुए और फिर से उसी एरिया में जाते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे लीचेस चिपक जाती हैं आपके शूज़ पे, इसलिए द गाइड कैरीज सॉल्ट विद हिम, सो प्लीज़ पुट सम सॉल्ट ऑन योर शूज़ वाइल वॉकिंग। ये चाय एक्चुअली में एक रिवॉर्ड है फॉर कम्प्लीटिंग द नेचर वॉक बिकॉज इट कंटेन्स मैनी इन्ग्रीडियंट्स विच आर एक्सट्रीमली हेल्दी। एंड ये चाय इसके अलावा आपके बुफे में सर्व नहीं होती है, सो डोंट मिस इट। फाइनली वी हैव क्रॉस दैट प्लेस और अब हम वापस जा रहे हैं। ध्यान रखिए जूतों का, लीचेस का, क्योंकि सॉल्ट तो लेके चलते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया नीचे डालने के लिए। और अब हम इस वे को लेते हुए यहाँ से ऊपर वापस चले जाएंगे। कॉटेजेस दिख रहे होंगे आपको, अब हम जा रहे हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए और सबसे पहले हम करेंगे जिप लाइन। कम वेरी स्लोली, ऑयल्स इट मे टर्न फेटल। आराम आराम से आइए। ओके, इसको ध्यान दो, उसको छोड़ दो। अच्छा अच्छा ओके ओके। हम्म,
The activities are optical ropes and zip lining. So we have already done zip lining और अब हम करने जा रहे हैं optical ropes. And सर का नाम क्या है? And Rakesh sir will be assisting us. They have a full-fledged gaming room, which contains a full-size table tennis. सामने आपके जंगा ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, आप इनको अपने हिसाब से रिकन्स्ट्रक्ट कर लीजिए. एक चेस का सेटअप है फॉर टू पीपल, और यहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा कि सफाई हो रही है, बिकॉज आफ्टरनून का टाइम है तो लोग कम आते हैं. ये फूसबॉल का सेटअप है. राइट साइड में आपको कैरम बोर्ड मिल जाएगा, और ये छोटे बच्चों के लिए पजल सॉल्विंग. और सामने लेगोज भी हैं आपके पास, अगर आपने ये गेम पहले खेला हो तो. एंड दिस इज़ द कंप्लीट व्यू. एंड जो फ्रंट में आपको सेक्शन दिख रहा है वो डेस्क है, जहाँ पे गियर्स आर प्रोवाइडेड फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंड कंसेंट फॉर्म्स आर साइंड, विच मीन्स यू एग्री टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रॉपर्टी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिसहैप्स. It's time to go towards the waterfall and take a bath. Waterfall के पास पहुंच गए हैं और अब मैं जा रहा हूँ एक मिनट पीछे की तरफ to take a bath. और यहाँ की टाइमिंग मेरे ख्याल से 5 बजे तक है, क्योंकि 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है. उससे पहले आप अपनी फैमिली के साथ आके मजे कर सकते हैं. ऐसा बहुत कम होता है यहाँ पे कोई हो ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल आर देयर, बट स्टिल लेट्स गो. बहुत आराम से आइए, बिकॉज कम वेरी स्लोली. The water is extremely cold, but still worth your time. नाइट में रेस्टोरेंट बिल्डिंग कुछ ऐसी नजर आती है. और ये वॉटरफॉल का नाइट व्यू है. यहाँ पे होता है कैंडल लाइट डिनर, जिसके लिए आपको प्रायर बुकिंग करनी पड़ती है, विच इज़ नॉट कॉम्प्लीमेंट्री. इससे ज़्यादा रोमांटिक प्लेस आपको क्या ही मिलेगी टू सेलिब्रेट अ स्पेशल ओकेजन. लेट्स कम टू द फाइनल सेक्शन ऑफ द वीडियो. अब मेरी जो स्लीपर्स हैं वो आपका अटेंशन ले रही होंगी, बट ये आयतना की स्लीपर्स हैं और इस पर आयतना प्रिंटेड भी है. अगर मैं बात करूं जो मेन पॉइंट और हाईलाइट होती है वीडियो की, वो है प्राइसेस. तो यहाँ पे अप्रॉक्स जो प्राइसेस चलते हैं नॉर्मल जो कैटेगरी है हमारी स्टैंडर्ड कॉटेज कैटेगरी, उसके प्राइसेस अराउंड 15,000 से 20-25,000 के आसपास रहते हैं. और जो स्वीट कैटेगरी है वो 20+ रहती है. इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स ब्रेकफास्ट लंच डिनर और हाई टी सर्व करते हैं ये लोग. मैंने काफ़ी ट्रैवल वेबसाइट्स पे आयतना के रेट्स देखे, बट जो सबसे बेस्ट रेट्स हैं वो क्रेड इज़ ऑफरिंग. जो स्टैंडर्ड कॉटेज कैटेगरी के प्राइसेस हैं वो है 17,000 विद ऑल मील्स. एंड जो इससे ऊपर की कैटेगरी है स्वीट कॉटेज, उसके रेट से 23,000 एंड अगेन विद ऑल मील्स इंक्लूडेड एंड एक्टिविटीज़ एज वेल. मैं फिर से कहूँगा कि ये जो रेट्स हैं वो डायनेमिक होते हैं,
बिकॉज जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये रेट से, बट रेट्स कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी। मेरे हिसाब से अगर आप कभी आएँ तो आप स्टैंडर्ड कॉटेजेस ले सकते हैं अगर आपका बजट टाइट हो, वरना आपने देखा ही है मेरे वीडियो में कि स्वीट कैटेगरी कैसी दिखती है। जो मेरे पीछे आपको एरिया दिख रहा है वही रेस्टोरेंट है, उसके शॉट्स तो आपने देखे ही होंगे। और ओवरऑल अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमने इसको बुक किया था अराउंड 30,000 रुपीज़, जिसमें हमें तीन लोगों की ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिला हुआ है। और अगर हम इसको दो लोगों के लिए बात करें इसके बारे में तो ये अप्रॉक्स 15-20 रहता है डिपेंडिंग ऑन द सीज़न। ये प्रॉपर्टी 8 महीने तक फुल थी, अभी मैं कहूँगा कि लास्ट 15-20 डेज से यहाँ पे ऑक्यूपेंसी लो है, बट बिकॉज प्रॉपर्टी इतनी शानदार है, आउट ऑफ द सिटी है और इतनी सारी USPs हैं, इसलिए मेरे हिसाब से तो इट्स अ वेरी गुड प्रॉपर्टी टू कम। और प्रॉपर्टी बहुत एक्सेप्टिंग है कि आप आओ, आप फोटोज़ ले रहे हो, वीडियोज़ ले रहे हो, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, द प्रॉपर्टी इज़ वेरी मच एक्सेप्टिंग, आपको हर चीज़ में सपोर्ट करेगी। Okay friends, I hope you like the video. Please like the video, share it with your friends and do comment ki aur kya better ho sakta hai. Suggestions aapke bahut important hai. And subscribe to my channel and let me see you in the next one. Bye bye.